हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज 28 तारीख है, हरियाली है। आज फ्रेंड्स मैं आज जाने वाला हूँ हमारी पताल डोभी और वहाँ खकर खोचाई करके आ जाऊँ उसके बाद गांव तरफ। तो फ्रेंड्स हरियाली प्रकृति की सुंदरता एवं हरा भरा दृश्य को देखकर हरियाली मनाया जाता है, प्रकृति की पूजा किया जाता है और खकर खोच कर खेतों में उन्हें हरियाली त्यौहार मनाया जाता है फ्रेंड्स। और हरियाली में 3-4 प्रकार की खखरा खोचा जाता है, जैसे कि पहला जोगी लट्टी आप जानते हो ही होंगे, और बांस भीरा का पत्ता, और फिर भिलवा और रेला, इन 3-4 पत्तों को इकट्ठी करके इनकी खखरा को खोचा जाता है फ्रेंड्स। और सार में और घर में भी खोचा जाता है। तो फ्रेंड्स पेड़ पुराने पत्तों को छोड़कर नए पत्ते धारण करता है। तो फ्रेंड्स इसकी खुशी में हम सभी लोग हरियाली का त्यौहार मनाते हैं फ्रेंड्स। तो आप सभी फ्रेंड्स लोगों को भी हरियाली के ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आया हूं जंगल, तो पहले उन पत्तों को कलेक्ट कर लें, मैं दिखाता हूं आप लोगों को भी। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स हम बहुत काफ़ी अंदर आ चुके हैं और एक चीज़ का खोज समाप्त हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मैं पाक चुका हूं जोगी लट्टी। जो देख सकते हैं इस तरह से जोगी लट्टी का पेड़ होता है, ये बताया जाता है ये भी बहुत औषधिक है, बहुत सारी औषधि के रूप में इसको उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं और ले जाते हैं, तोड़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि प्रकृति को हम ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि जितना आवश्यकता उतना ही तोड़ेंगे। और हमें और लोगों को भी यह जानना ज़रूरी है कि प्रकृति को ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए, क्योंकि जितना आवश्यकता उतना ही हमें प्रकृति से कोई भी वस्तु का उपयोग करना। देखा जाता था कि बहुत सारे चीज़ें हमारे प्रकृति में पाए जाते थे, जंगल में पाए जाते थे, जैसे कि मैं देखा हूँ भी खुद जंगल में बहुत सारे जोगी लट्टी उपलब्ध थे, आप आजकल देखने के लिए तक नहीं मिलते फ्रेंड्स, बहुत ही कम मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा उपयोग करते हैं, जितना ज़रूरत होता है उतना नहीं काटते लोग, इससे कहीं ज़्यादा ही काट कर ले जाते हैं, इससे धीरे धीरे प्रकृति को असर पड़ता है फ्रेंड्स और कम होते जाते हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए हमें यह जानना भी ज़रूरी है कि हर एक चीज़ के अस्तित्व ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स हमें सशक्त होना है, जागरूक होना है और हमारी प्रकृति की आवश्यकता पूर्ति हो सके फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं कि मैं काफ़ी अंदर आ चुका हूं और जंगल में हूं, तो फ्रेंड्स सौभाग्यवाद है कि बहुत सारी मच्छर हैं, तो मच्छर काट रहे हैं मुझे, देख सकते हैं ये बहुत सारी मच्छर हैं। और अभी फिलहाल फ्रेंड्स सावन के महीना है, तो सावन के महीना में बहुत सारे कहते हैं जानते ही होंगे आपकी भी उठते हैं, बगरा पीरी हो गए, और इस टाइम क्या बोलते हैं मैनर भी बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स जंगल में इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं इस टाइम, और हमेशा ही हमें जंगल हर चीज़ प्रदान करती रहती है फ्रेंड्स। तो हमें समझना ज़रूरी है कि प्रकृति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें बगैर प्रकृति के हम कुछ भी नहीं हैं, और हर चीज़ हरा हो सकता छोटे से लेकर बड़े बड़े हो सकता है, हमारे प्रकृतिक से ही पूर्ण होते हैं फ्रेंड्स। तो हमें जानना चाहिए, और भी 2-3-4 चीज़ों के पत्ता कलेक्ट करने हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो में आप बने रहें, काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ थे तो देख पा रहे हैं हमारे ये सामने देख पा रहे हैं कि ये रेला है, तो हम रेला के पत्ते भी कुछ तोड़ लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं तोड़ेंगे, थोड़ी मात्रा में तोड़ेंगे, इस तरह से देख सकते हैं कि हमने ज़्यादा नहीं तोड़ा है, बस दो छोटे छोटे दो पत्ते ही तोड़े हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो और भी 2-3 चीज़ और मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जाके खोज देते हैं फ्रेंड्स। तो इतना मिल गया मुझे, और हम चलते हैं भलवा की ओर, तो भलवा भी खोज रहा हूँ मैं, तो मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैं आ चुका हूँ हमारे पताल डोभी के जस्ट ऊपर साइड आ चुका हूँ। और ऊपर दिखाता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों की ऊपर से कैसे दिखाई देता है। तो आप देख रहे हैं, आप हमारे आगे देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ दिख रहा है बट अच्छा से नहीं दिख पा रहा है। तो फिर चलते हैं पास में और दिखाते हैं, यहाँ देख सकते हैं इस तरह से कितना बढ़िया पेड़ दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड। और बहुत देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप इस तरह से देख सकते हैं कितना बढ़िया सुंदर दिखाई दे रहा है। ये पूरा हमारा पताल डोभी का एरिया है, देख सकते हैं ये देख सकते हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और ये बीच में देख सकते हैं आप, ये बीच में बहुत बड़ा ये पहाड़ है देख सकते हैं आप। और ये चारों तरफ देख सकते हैं ये हमारी खेत है, यहाँ दिखाता हूँ आपको हमारा खेत यहाँ है देख सकते हैं। ये वाला है मेरा खेत, बड़ा वाला। और इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड कि ये पूरा एरिया कवर है, कि ये देख सकते हैं कि ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और यहाँ देख सकते हैं और आप जूम कर दिखाता हूँ फ्रेंड, ये देख सकते हैं कि ये हमारा इतना एरिया कितना फैला हुआ देख सकते हैं, ये कितना बड़ी एरिया आप देख सकते हैं। और अगले वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि पूरे पताल डोभी को आप जूम कर दिखाऊँगा कैसा है हमारा पताल डोभी, यहाँ विशेषताएँ क्या क्या है, यहाँ क्या क्या देखने के लिए मिल सकते हैं आपको। तो हरियाली है तो मैं आज आया हूँ खाली खखरा खोजने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगा आप लोगों को, आप देख सकते हैं पीछे साइड मेरी कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं पूरे चारों तरफ देखने के लिए मिल रहा है अच्छा सा। और ऊपर की ओर देख सकते हैं, इस तरफ हम ऊपर साइड थे और यहाँ देख सकते हैं पहाड़, ये देख सकते हैं भीरा हमें रास्ता में ही मिल गया पास में। तो हम सबसे पहले इसे तोड़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे हम, थोड़ी सी तोड़ेंगे हम, ज़्यादा नहीं, इतना तोड़ लेते हैं, देख सकते हैं इतना थोड़ी सी तोड़ रहा हूँ मैं, ये देख सकते हैं तोड़ लिया मैं इतना। तो तीन चीज़ इकट्ठे हो चुके हैं, जो कि लट्टी और साथ साथ की है ये छोटे छोटे पत्ते वाले, और ये है रेला और ये बांस भीरा का पत्ता है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और मिल जाए तो अच्छी बात है। तो हम और नीचे आ चुके हैं, बहुत देख सकते हैं मेरे पीछे ये इस तरह से जगह है फ्रेंड, काफ़ी अच्छी जगह है। और ये उतरने का बड़ा शॉर्ट रास्ता है, ज़्यादा घाट नहीं पड़ता है सैंड बट छोटी घाट है पर ज़्यादा बड़ी नहीं है। फ्रेंड्स हम बहुत नीचे आ चुके हैं, जस्ट पहुँचने वाले ही खेतों को, और देख सकते हैं पीछे ये देख सकते इतना दूर से हम आ चुके हैं फ्रेंड। और यहाँ रास्ता में बहुत ज़्यादा बरमसले के पेड़ हैं और यहाँ अभी सफाई भी नहीं हुआ है क्योंकि ये रास्ता बहुत कम लोग ही आते हैं, क्योंकि ये थोड़ी अलग दूर से पड़ता है ये, बट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ये रास्ता तो मैं ऐसे ही आता हूँ फ्रेंड। ये फ्रेंड आप वहाँ देख सकते हैं, और ये वाला फ्रेंड देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोगों को दिखा देने वाला हूँ कि फ्रेंड्स आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि एक हमारे मसाला ये वाला देख सकते हैं कि ये है दवना। आप गांव के हैं तो आप शायद जानते होंगे, आप गांव के लोग होंगे तो आप जानते होंगे इसको कि ये दवना का पेड़ है, ये काफ़ी सुगंधित होता है और मसाला के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। यहाँ जैसे कि देख सकते हैं चिकन में भी इसको रखा जाता है और पीरी बहुत सारे सब्जियों में भी इसको रखा जाता है, इसके पत्तों को जैसे धनिया रखते हैं उस तरह से इसको रखा जाता है फ्रेंड। इसकी स्वाद इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी होती है, आप एक आध बार रख के देखना फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोगों को, मैं फिलहाल उतर चुका हूँ पताल डोभी, नीचे आ चुका हूँ और वहाँ का दृश्य आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो में आप बने रहिए और मज़ा लीजिए हमारी वीडियो का, सुंदर दृश्य है उनकी। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहें और बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये नीचे आ चुका हूँ मैं और कितना हरा भरा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हम उतना ऊपर थे वहाँ मट्टा पर थे और हम नीचे आ चुके हैं बेचारों, और ये देख सकते हैं जंगल ही जंगल है और यहाँ हमारा खेत है। और यहाँ भी उस तरफ देखो, उस तरफ कितना अच्छी पूरा ज़मीन है हमारा, और ये ऊपर साइड पहाड़ है और इस तरफ पूरी ज़मीनें हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जगह है, और शायद आप लोग इससे पहले ऐसी जगह नहीं देखे होंगे जहाँ चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है हो और एक तरफ नदी हो और फिर बीच में पहाड़ हो। फ्रेंड्स कितनी अच्छी जगह है देख सकते हैं आकर यहाँ। फ्रेंड हम पहुँच चुके हैं अपना खेत,
और सबसे पहले हम ककड़ा खोल देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। खेत है पूरा, ये जितना दिखाई दे रहा है ये पूरा इस तरफ, ये अपनी खेत है और इस तरफ देख सकते हैं ये पूरा इस तरफ पूरा गाड़ दिया जो लाए थे वो, तो इस तरह से यहाँ खेतों में लाकर पत्ते गाड़े जाते हैं। तो फ्रेंड्स और बढ़ते हैं आगे, देख सकते हैं फ्रेंड हम आ चुके हैं हमारी पताल डोबी कछार की दूसरी तरफ। ये देख सकते हैं कि इस तरफ भी जंगल है और ये जंगल को दिखा रहा था, ये बड़ी वाली जंगल है बीच में सेंटर में है। तो फ्रेंड्स इस तरह से देख सकते हैं कि वो देख पा रहे हैं, एक और है ये ककड़ा खोज कर जा रहा है। तो यहाँ आने पर फ्रेंड ऐसा लगता है कि दोबारा जाने का मन ही नहीं करता, ऐसा जगह है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अगर आप भी आसपास के होंगे तो घूमने देखने के लिए आ सकते हैं, जैसे हमारे गांव से लगभग 8-10 किलोमीटर दूरी के भी होंगे तो आप इस जगह के बारे में जानते होंगे, तो यहां आप घूमने भी आ सकते हैं और यहां की प्राकृतिक सुंदरता की मज़ा उठा सकते हैं। देखा फ्रेंड्स कि हम आजू बाजू अपने दिखाई पूरे साइड देख सकते हैं, पूरा मैदान दिख रहा है कितना अच्छी जगह है और यहाँ हमारी पूरी खेती होती है। और इस तरफ देख सकते हैं मेरे चारों ओर देख सकते हैं कितनी अच्छी जगह है फ्रेंड, ये देख सकते हैं सभी तरफ पूरा अच्छा फसल ही लगा है। अभी फिलहाल धान की फसल है और बहुत ही अच्छी फसल लगा हुआ फ्रेंड, अभी छोटे छोटे भी हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। और फ्रेंड हमारे चारों ओर बहुत और फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर और